इधर आओ भाई दिखाऊं। काकी इधर आओ, ये देखो भाई आए हैं, जाओ चेयर लेके आओ उनके लिए। बिग मैन भाई आए हैं, जाओ बोतल लेके आओ, कोकी लेके आना जाओ। माशाल्लाह 5 अंडे हो गए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। खाने को नहीं मिलता तुम्हें? नीचे आओ नीचे आओ। यार ये देखो क्या इसने गंद डाल दिया। बिग मैन तुम जाते क्यों नहीं भाई को? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? भाई यार अभी मैं जा रहा हूँ मैडम के लिए हस्बैंड लेने। आ रहे पापा आपका हस्बैंड लेके आ रहा है। एक तो मैडम का हमने हस्बैंड लेके आ रहा है, और दूसरे नंबर पे जो है ना इनका खाना खत्म हो गया है। हाँ कर रहा हूँ खाने की भी बात कर रहा हूँ, भागते हुए आ गए हो। तो इनका खाना भी लेके आते हैं चल के, और मैडम के लिए हस्बैंड लेके आते हैं। ठीक है तो लाके मैं आपको मैं दिखाता हूँ फिर। ओ बिग मैन किधर किधर दौड़े लगाई है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है, एक परफेक्ट दे दें। चलो जी, एक काम तो यार हमारा ख़त्म हो गया है, अब चल के ना तो ऐना का हाथ पहन ले लें। हाँ जी जवाई भाई, पाइन चलें घर? यार इधर थोड़ी सी नज़र आ रहा है, बाकी घर जाके नज़र आएगा, तो घर चल के देखते हैं इसे। आ जाओ भाई जान, आ जाओ। मैडम क्या आया है ये हैं? क्या है, इधर आओ पाइन दिखाऊं। अच्छा 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 भाई जान पाइन आ गया हमारे। काकी इधर आओ, ये देखो पाइन आए हैं, जाओ चेयर लेके आओ उनके लिए, जाओ चेयर लेके आओ। इधर इधर पाइन आ जाए, पाइन आ जाए, आ जाए पाइन। बिग मैन पाइन आए हैं, जाओ बोतल लेके आओ, कोकी लेके आना जाओ। पाइन आ जाए बाहर, भाई डर रहे हैं अभी बैठे हुए, शर्माना है ना कुछ चाहिए, वो भाई शर्मा रहे हैं। काकी मैं तुम्हें बोला टेबल लेके आओ, टेबल लगाओ चेयर लगाओ, जाके जाओ तुम बोतल पकड़ के लाओ, ठंडी लेके आना। भाई जो है ना अभी ससुराल के घर आए हैं ना, तो वो जरा अपना रोक के खाना बनता है उनका। यार हम ना इनको छोड़ देते हैं, भाई अभी आ जाते हैं खुद ही बाहर। भाई इनकी ना असल में कटिंग हुई है, देख रहे हो भाई नहीं आ रहा। खाना शाम ले आए थे, रस्ते में जो है ना मैंने यसु गैंग के लिए भी खाना ले लिया, ये भी यार ख़त्म हो गया था, और मैडम का भी खाना हमने ले लिया है। बस ठीक है, हमारे काम तकरीबन सारे कंप्लीट है। माशाल्लाह 5 अंडे हो गए। तुम किधर निकल गए हो? काके का पता है ना, काका पकड़ लेगा, अंदर जाओ यहाँ पे अंदर बैठो। यार आपको पता है ना हमारे जो पहले वाले भाई थे वो कितने गुस्से वाले थे, है ना, ऐसे चलते फिरते रहते थे, घूमते रहते थे। ये भाई जो है यार ये बड़े शर्मीले हैं, मुझे तो लगता है कि काम डिले हो जाने। खैर देखते हैं यार, भाई हो सकता है थोड़ी देर में बाहर आ जाएं, फिर एना के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाए, है ना बेटा? शर्माओ जाके, घूंघट निकालो। बच्चों को यार मैं ना तरबूज के छिलके डाल के गया था, तो इन्होंने तो खाए हुए हैं, बाकी इन्होंने भी खाए हुए हैं हल्के फुल्के। हाँ इन्होंने भी खाए हुए हैं, इन्होंने भी नहीं सही खाए हुए, इन्होंने भी नहीं सही खाए हुए। ओए काकी अंदर किधर जा रहे हैं? वो अंदर बाहर आ जा, अभी नहीं रुक जाना, भाई से अभी बातें करने लग गए। यार भाई को ना हम इधर रखते हैं अभी, तो मैं क्या कर लेता हूँ बच्चों को ना खाना शाना दे लेते हैं, इनको भूख लगी होगी। हाँ जी ओ अच्छा, बच्चों को यार हम खाना शाना दे लें। चलो आ जाओ भाई, ये खाओ, शाबाश, ये खाओ फिर देता हूँ, ये लो आप लोग भी खाओ, शाबाश शाबाश, ये लो आज ऊपर आओ ना, ये रखा मैंने, जाओ खाओ। वो देख रहे हो खुद ही आते हैं बाहर, बाहर आके खाना पीना खा के वापस चले जाते हैं। उनको घर की पहचान हो गई है और प्रैक्टिस भी हो गई है। हाँ जी यसु गैंग इधरो, ये नहीं खाने तो फिर मैं इसे निकाल देता हूँ। ओह ना मारना नहीं है, मैं बड़ा खतरनाक बंदा हूँ, पीछे हो जाओ। वो क्या है टोनी भाई, किधर है हैं, किधर है टोनी भाई? जाओ उसे बुलाओ, रूढ़ियों में गुस्सा आता है। अच्छा भाई लोग खाना शाना हमने सब बच्चों को दे दिया है, सब बच्चे माशाल्लाह खाना खा रहे हैं, तो अपना नीचे थोड़ा गंद है, मैं सोच रहा हूँ कि ना उसे हम साफ कर लें, क्योंकि भाई ना आए हुए हैं तो ये ना वो भाई ना हमें झिड़के रहे हैं, तो बेहतर यही है कि हम जो है ना नीचे की सफाई कर लें। काका तब से बैठ के भाई को देखी जा रहा है, मैडम ने जो है ना पापे की बात पे अमल कर लिया है, ये इधर बैठ के शर्मा के देख रही है। तो नहीं भाई इधर आओ भाई से मिलो, आके आओ बुला रहे हैं तुम्हें, वो कहते हैं आप आओगे फिर मैं बाहर निकलूंगा। काके की तो पक्की दोस्ती हो गई है ना पाइन से। अच्छा यार पाइन जो है ना हमारे
वो ना इस बजरी के अंदर उन्होंने शी करना है, तो मैं क्या कर लेता हूँ कि भाई का ये सेटअप बना लें, क्योंकि मैडम लोग तो वॉशरूम में जाते हैं, पर पाइन जो है ना हमारे वो ज़रा अंग्रेज किस्म के हैं, तो इसलिए जो है ना पाइन के लिए हमने ये बजरी जो है ना वो सेट करनी है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे सेट कर दूँ, ठीक है ये भाई जान ऐसे मैंने सेट कर दी है, अब पाइन जो है ना यहाँ पे शुरू कर लेंगे, पर पहले वो बाहर तो निकले सही, बाहर ही नहीं आ रहे, बिग मैन भी उनको बुला रहा है, काका भी उनको बुला रहा है, वो बाहर ही नहीं आ रहे। बिग मैन छोड़ो छोड़ो ना पाइन, आ जाइए यार बाहर, इतने क्यूट क्यूट आपके गाल है, बाहर आओ आ जा बच्चे। यार मैं ना कहता हूँ कि पाइन खुद ही बाहर आए, क्योंकि ऐसे पकड़ के निकालना सही नहीं है। चलो खैर कल तक तो पाइन आ ही जाएंगे बाहर, ठीक है ना बच्चा, तुमने कोई करिश्मा करना है फिर ही पाइन बाहर आना है, ऐसे नहीं आना उन्होंने बाहर। खैर पहले वाले जो हमारे पाइन थे वो गुस्से वाले चीजे वाले जरा शर्मीले हैं, तो खैर हम तीन दिन रखेंगे पाइन को अपने पास, अगर तो वो बाहर आ जाए जिस दिन वो बाहर निकलेंगे ना उस टाइम के बाद में हम तीन दिन रखेंगे पाइन को अपने पास, ठीक है। तो खैर यार ऑलमोस्ट काम हमारे सारे कंप्लीट हो गए हुए हैं, खाना शाना हमने सबको दे दिया है, अब पाइन का भी हमने वॉशरूम का इंतजाम कर दिया है, उनका खाना शाना आ गया है। वो टोनी देखो उधर बैठ के मैडम को तंग कर रहा है, वो टोनी है बात आ उसकी दुम पे काट रहा था। तो यार मैं ना एक वीडियो देखी है, बंदा था एक वो क्या कर रहा था कि बिल्ली के बच्चे को ना ब्लेंडर के अंदर डाल के ना तो वो ब्लेंड कर रहा था, वो जिंदा था यार, वो देखी है तब से मेरा इतना दिल खराब हुआ है ना, पता नहीं वो कौन सा दरिंदा इंसान था, अल्लाह माफ़ करे। खैर ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और आपने हमें बताना कि पाइन कैसे लगे हैं आपको, ठीक है ना। दुआ में याद रखिएगा, थैंक यू शुक्रिया मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़। मैडम जाओ यार कोई करिश्मा करो हैं, पाइन को बुलाओ उनको बोलो आ जाओ बाहर, जाओ टोनी तुम ही बुलाओ यार, तुम्हारा हो सकता तुम्हारी बात मान ले।